उदाहरण सात, इंटीग्रल ऑफ एक बटा एक प्लस साइन एक्स डीएक्स ज्ञात कीजिए। तो हम आई का मान क्या ले, हमें मिला है एक बटा इंटीग्रेशन ऑफ एक बटा एक प्लस साइन एक्स। हम इसे गुणा कर देते हैं एक माइनस साइन एक्स बटे एक माइनस साइन एक्स से, डीएक्स ये हमें मिलेगा। अंश में क्या आ गया, एक माइनस साइन एक्स। तो इंटीग्रल एक माइनस साइन एक्स, हर में क्या आ गया एक प्लस साइन एक्स इंटू एक माइनस साइन एक्स, अर्थात एक माइनस साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। सूत्र हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब एक माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स, त्रिकोणमिति से हम जानते हैं। तो मान क्या हो गया एक माइनस साइन एक्स, ये तो एज इट इज है, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। कॉस स्क्वायर एक्स का दोनों पदों में भाग लगेगा, एक में भी लगेगा और साइन एक्स में भी लगेगा। तो ये मान कितना हो गया, जब एक बटा कॉस स्क्वायर एक्स है तो ये तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो ये क्या हो गया साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं साइन एक्स बटे कॉस एक्स इंटू एक बटा कॉस एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। और ये तो हो गया टेन एक्स और ये हो गया सेक एक्स। तो इस प्रकार से एक बटा कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स, ये एज इट इज है। तो इस ये हमें मिलता है। अब सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स हमारा सूत्र क्या है, हमारा सूत्र है इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या होता है, ये मान तो होता है टेन एक्स के बराबर, टेन एक्स प्लस सी। और टेन एक्स सेक एक्स डीएक्स क्या होता है, मानक सूत्र है टेन एक्स सेक एक्स डीएक्स, ये होता है सेक एक्स प्लस सी, ये हमारा मानक सूत्र है। इनका हमने प्रयोग किया तो हमें क्या मिलेगा sec स्क्वायर एक्स को, तो मैं क्या लिख दूं टेन एक्स माइनस टेन एक्स sec एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो है sec एक्स, तो माइनस का sec एक्स प्लस सी। हमने दो समाकलन किए हैं, एक तो ये किया है और एक ये किया है, अर्थात इसके साथ यदि c1 आ रहा है और इसके साथ c2 आ रहा है तो मुझे क्या लिखना चाहिए c1 प्लस c2 इस प्रकार से लिखना चाहिए, या माइनस है तो माइनस c2 इस प्रकार से लिखना चाहिए। परंतु समाकलन के प्रश्नों में हम इनको डायरेक्ट लिख देते हैं, हम c1 माइनस c2 क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है, तो इस प्रकार हम इनको अलग अलग ना लिख के हम एक साथ लिख देते हैं प्लस c। तो ये मैं सभी प्रश्नों में हमको करना है तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट ही लिखते हैं। हमें अभिष्ट समाकलन क्या मिल गया टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी। अब इन प्रश्नों में जो अब तक मैंने प्रश्न किए हैं आपने पाया होगा कि मैं किस प्रकार की विधि का प्रयोग कर रहा हूं। वास्तव में जो उद्देश्य होता है समाकलन का, समाकलन के प्रश्नों को करने का, वो ये होता है कि हम उस विधि का प्रयोग करें ताकि हम मानक सूत्र की ओर चलें, हमें मानक सूत्र मिल जाए और हम उनका प्रयोग करके अभिष्ट समाकलन ज्ञात कर सकें। तो इसका हमें अभ्यास करना है, कोई इस प्रकार से एक रेडीमेड हमें एक टूल नहीं मिलेगा, प्रश्न को प्रश्न के अनुसार हमें इस विधि का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना है ताकि हमें मानक सूत्र मिल जाए, इसका हमें प्रयास करना है। तो अब आपको अभ्यास करना है इस प्रकार के प्रश्नों का। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं।